आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहकर। नमस्कार, मैं हूं गार्गी शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहकर। तो चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नवमी के अवसर पर भगवान राम की नगरी व उनकी जन्मस्थली अयोध्या में आज दशरथ महल में राम जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कहा जाता है कि आज के दिन अयोध्या में श्री राम के दर्शन जो कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसके जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इस अवसर पर भक्तों ने खूब अबीर गुलाल खेला और नृत्य करते हुए दशरथ महल पहुँचे। औरतों ने वहाँ पर सोहर गीत गाए। इस अवसर पर दशरथ महल में महंत अनंत बिंदु गद्याचार्य, महंत श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज ने न्यूज लाइव से की खास बातचीत। प्रस्तुत है मुख्य अंश। देवता लोग जो आते हैं दान करते हैं, मनुष्य जो आते हैं आदमियों की सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, और जो राक्षस आते हैं लोग का पाप निकाल लेते हैं, किसी का चप्पल चुरा कर लेकर चले जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर आते हैं। इस प्रकार से सब लोग अपनी अपनी जिसकी जैसी बुद्धि वैसी सेवा करते हैं भगवान की। भगवान सब पर कृपा करते हैं, चाहे जैसे भी हो भगवान के शरण में जो आ जाता है उस पर राम जी की कृपा हो जाती है। हमारे राम जी शरणागत वत्सल हैं। राम जी इतने दयालु हैं, कोई कैसा भी हो शरण में आ गया भगवान उसको त्यागते नहीं है। एक बार आ करके प्रणाम कर लेता है, भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। आज राम जी का जन्म महोत्सव है। आज के दिन जो भगवान का दर्शन कर लेता है वह 84 लाख योनियों में पुनः जाने का अधिकारी नहीं रहता है, वह भगवान के धाम में जाने के लायक बन जाता है। इसलिए आज के दिन लोग अयोध्या जी आते हैं। आज अयोध्या जी में सरजू जी में सारे तीर्थों का वास होता है। जो सरजू जल में स्नान आज कर लेते हैं उन्होंने मानो सारे तीर्थों में स्नान कर दिया है। इसलिए आज का बहुत महत्व है। सारे भक्तजन आकर के भगवान का दर्शन करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं। राम जन्म महोत्सव की जय। मानवी भारत पार्टी ने जौनपुर संसदीय क्षेत्र से हरिश्चंद्र शुक्ल को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर ने कहा कि श्री शुक्ल की विनम्रता, ईमानदारी, कर्मठता और सेवा भाव देखते हुए उन्हें चुना गया है। हरिश्चंद्र शुक्ल को प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज प्रमोद तिवारी व आराधना मिश्रा ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें लोकसभा चुनाव के स्टार प्रचारक व पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रदेश कार्यालय में रामनवमी के पर्व पर बधाई देते हुए कहा, इस सरकार की असफलता की गिनती शुरू हो गई है। जो भाजपा की सीटें थीं अब वह हाथ से निकलती जा रही हैं। पीएम ने राम के नाम पर राजनीति की और राम के नाम पर सारे देश को छला है। अभी तक राम मंदिर नहीं बना, केवल राम के नाम पर वोट ले रहे हैं, लेकिन अभी तक मोदी कभी अयोध्या नहीं गए। मोहनलालगंज के मेड़ई खेड़ा में आज एक किसान के खेत में बिजली की चिंगारी से आग लग गई, जिससे लगभग 5 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया। समय से दमकल की गाड़ियां न पहुंचने के कारण दरोगा मोहनलालगंज संजय भारती ने अपने सहयोगियों के साथ खुद ही आग बुझाने का प्रयास करने लगे। वहीं दूसरी ओर कोटरा रायपुर में हुआ हुलास खेड़ा में भी बिजली की चिंगारी से आग लगने पर लगभग 25 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे सांसद कौशल किशोर ने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तहतर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, दर्श किड्स, स्वर्णगान सिंगिंग एकेडमी। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर।